तो गाइस लॉस एंटोस में खुला है एक नया कार्स का शोरूम। मुझे पता चला है कि उनके पास बहुत ही ज्यादा महंगी कार्स हैं। तो अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं वो कार्स को देखने, और मैं सोच रहा हूँ आज 4 या 5 कार खरीद भी ली जाए। चलो गाइस देखते हैं इनके पास कौन कौन सी कार है। और ये देखो अंदर घुसते खतरनाक सी लैम्बोर्गिनी, और यहाँ पे तो एक टेस्ला है। आपको पता ही होगा कि टेस्ला एक ऑटोमेटिक कार है, मतलब यार इसमें हम लोकेशन सेट कर सकते हैं और ये कार हमें कहीं पर भी ले जाएगी। हाय सर, बोलिए आपको कौन सी गाड़ी चाहिए? गाड़ी ऐसे कंफर्म तो नहीं है, मैं गाड़ियाँ देखने आया हूँ, फिर मैं खरीदूंगा। तो सर देखिए, आपको जो भी गाड़ी अच्छी लगी मुझे बताइए। अच्छा ठीक है देखते हैं। तो गाइजर लैम्बोर्गिनी और टेस्ला तो हमने यहाँ पे देख लिए, और गाइजर यहाँ पे खतरनाक सी मस्टैंग भी है। और ये क्या, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक फरारी की गाड़ी लग रही है। और यहाँ पे एक मर्सिडीज की बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक सी गाड़ी खड़ी है, और यहाँ पे की सुपर फास्ट कोनिसेक। और गाइजर ये कौन सी गाड़ी है? ये तो इन्होंने अंदर रख रखी है। ये देखो भाई कितनी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक गाड़ी लग रही है। ये देखो भाई साइबरपंक की 2077 में ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है, पर ये अभी से इनके पास है। ये देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 2077। ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ओ मैनेजर साहब, बोलिए सर आपको कौन सी गाड़ी चाहिए? मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए। कितने की है ये? सर वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहला बताइए अभी आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं अभी? अरे उससे ये करना है, मुझे ये वाली गाड़ी खरीदनी है। सर बताइए तो सही। अभी मैं तो बाहर वो स्कूटी खड़ी है ना, वो चलाता हूँ मैं तो। क्या स्कूटी? आपका घर कहाँ पर है? मेरा घर वो राजू की चाय की दुकान के पास वाली गली ना, उधर। क्या इसका मतलब तो तुम बहुत ही करीब हो। महीने में कितना कमा लेते हो? मैं कमा लेता हूँ 50-60 रुपए। बाहर निकलो, ऐसे कोई गाड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। अरे क्या हो गया, ये गाड़ी 98 मिलियन डॉलर की है। नहीं 99 मिलियन की। अरे नहीं 100 मिलियन डॉलर की। हर सेकेंड इसकी रेट बढ़ती जा रही है। तुम जैसे गरीबों के लिए गाड़ी नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। 100 मिलियन डॉलर की नहीं, 101 मिलियन डॉलर की। अरे हाँ, और गाड़ी तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसकी प्राइस हर मिनट बढ़ती जा रही है। इस शोरूम में कभी दिख मत जाना, निकल जाए ऐसे। अरे हाँ, इस शोरूम में वैसे भी किसको आना है, इतना घटिया शोरूम है, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं खरीदना। और इसके पास तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक गाड़ियां हैं। मुझे तो ये सारी की सारी गाड़ियां पसंद आई। मेरा बस से तो ये सारी की सारी गाड़ी खरीद लूं, पर पैसे भी तो नहीं है। पर ये कहाँ लिखा है ये सारी गाड़ियां खरीदना जरूरी है? मैं ये सारी गाड़ियां चुरा भी तो सकता हूँ। तो गाइस मैंने सोच लिया ये सारी की सारी गाड़ियां चुरा के रहूंगा, और वो 100 मिलियन डॉलर वाली भी, जिसकी प्राइस हर सेकंड बढ़ रही है। पर इसने तो मुझे देख लिया, तो मुझे ये तो पहचान जाएगा। मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, रुको, मुझे कुछ ना कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा ये सारी की सारी गाड़ियां चुराने के लिए। तो गाइस अभी आप देख सकते हो मैं पूरा का पूरा बेस चेंज करके यहाँ पे आ चुका हूँ। मैं बन चुका एक जोकर, और गाइस मैं शोरूम में घुसने वाला हूँ एक जोकर बन के। चलो फटाफट से, अंदर कहाँ जा रहे हो, बाहर निकाले यहाँ से, छुट्टे नहीं है मेरे पास। अरे सर मैं छुट्टे नहीं मांगने आया हूँ। क्या करने आया हूँ फिर? मैं आपको डांस दिखाने आया हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो, शोरूम से बाहर निकलो, यहाँ पे तुम जैसे की जरूरत नहीं है। अरे सर मेरा डांस तो देखो, ये देखो। अरे मुझे तुम्हारा डांस नहीं देखना, निकल जाओ यहाँ से। अरे सर रुको तो सर, मुझे देखने दो आपके शोरूम में क्या है। मेरे शोरूम में किससे पूछ के घुस रहे हो, मैं तुम्हें मार दूंगा, निकल जाओ यहाँ से जल्दी से। अरे सर मुझे मारिए मत। अरे ये कुत्ता क्या कर रहा है, ये तो मुझे काट गया, मुझे बचाओ। बहुत बढ़िया मेरे को। सर मेरा कुत्ते वाला प्लान बिल्कुल काम कर गया। मैंने उसको पूरा डिस्ट्रैक्ट करके रखा था, और मेरे कुत्ते ने इसको काट लिया, और अभी यहाँ पे बेहोश हो चुका है। बहुत बढ़िया मेरे कुत्ते। तो कैसा, सबसे पहले हम चुराने वाले ये खतरनाक सी लैम्बोर्गिनी। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पहले इसको बाहर निकालते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ ये क्यों खतरनाक है। तो गाइस ये गाड़ी हमारी बाहर आ चुकी है, और आप देख सकते हो इसका स्टीयरिंग व्हील देखो कितना ज्यादा अलग है। ये खतरनाक सी रेसिंग लैम्बोर्गिनी, मतलब इसमें हम रेस कर सकते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा तेज है। ये देख सकते हो भाई कितनी ज्यादा स्पीड में चल रही है। और गाइस ये गाड़ी सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और गाइस ये गाड़ी कम से कम 10-15 मिलियन डॉलर्स की होगी। तो हमारी शुरुआत तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हुई है। 10-15 मिलियन डॉलर की गाड़ी हमने चुरा ली है। मेरे शोरूम से एक लैम्बोर्गिनी चोरी हो चुकी है, और मुझे लगता है जो सबसे पहले काला लड़का आया था ना, उसी ने चोरी करी है। सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स मेरी बात सुन लो, मेरी अब कोई भी गाड़ी चोरी नहीं होने चाहिए। एक काला लड़का मेरी सारी गाड़ियां चुरा रहा है। टेंशन मत लो, हमारी सिक्योरिटी लॉस सैंटोस की सबसे टॉप सिक्योरिटी है। हम यहाँ पर किसी को नहीं आने देंगे। तो गाइस इस शोरूम वाले ने तो बहुत सारे सिक्योरिटी वाले रख लिए अपने शोरूम के लिए। अब मैं इसके अंदर कैसे घुसूंगा मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा इस शोरूम में घुसने के लिए। रुको मेरे पास एक आइडिया है। चलो गाइस मुझे बहुत ही ज्यादा खतरनाक आइडिया है। यहाँ पे मैं आग लगाने वाला हूँ। तो गाइस फटाफट से आग लगाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आग लगने के बाद सारे सिक्योरिटी वाले यहाँ पर देखने आएंगे कि यहाँ पे आग लग चुकी है। अरे ये क्या, मेरे शोरूम पर आग लग रही है। अरे जल्दी से फायर ब्रिगेड को बुलाओ। सारे सिक्योरिटी वालों जल्दी पानी डालो, फायर ब्रिगेड को बुलाओ। तो गाइस लगता है ये टाइम आ चुका है। अरे आ गया मैं, फायर ब्रिगेड आ गया। सबका बुझा दूंगा, टेंशन मत लो, सारी आग बुझा दूंगा। अरे वहां पर आग नहीं लगी, यहाँ पर आग लगी है। अरे टेंशन मत लो, सबका बुझा दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। चलो गाइस सारे के सारे बॉडीगार्ड्स के ऊपर गाड़ी चढ़ा के इन सबको मार देते हैं, किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। गाइस वहां पे आग लगी हुई, उसका ध्यान वहां पे, और ये ओनर को भी फटाफट से फेंटते ये ले। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो, आग बुझाओ आग। हां आग बुझा रहा हूं। अरे सिक्योरिटी गार्ड तू भी निकल यहां से। तो गाइस लगता है यही टाइम है, फटाफट से अंदर घुसते हैं। ये मुझे पहचान भी नहीं पाएगा, फटाफट से गाड़ी चुरा लेते हैं। और सबसे पहले मैं ये चुराने वाला मस्टैंग। और गाइस ये क्या, सामने पुलिस आ गई है। अरे ये क्या, इनको पता चल चुका है कि मैं नकली फायरमैन वाला हूं। चलो गाइस फटाफट से यहां से निकलते हैं। तो गाइस गाड़ी हमने यहां से निकाल लिए। और ओनर साहब क्या हाल है? ए काले लड़के, तो फिर से आ गया, मेरी गाड़ी का लेके जा रहा है, बाय बाय। चलो गाइस फटाफट इस गाड़ी को लेके यहाँ से निकलते हैं। और गाइस हमने एक और खतरनाक सी मस्टैंग यहाँ पर चुरा लिए। ये देखो भाई कितनी ज्यादा ये खतरनाक है। अरे कहाँ जा रहा हूँ मैं, इसके अंदर कितनी मस्त मस्त लाइटें चल रही है। और गाइस इसके ऊपर एक बुलेट का निशान भी, क्योंकि पुलिस वाले ने मुझे गोली मार दी थी, मैं तो बच गया, पर हमारी मस्टैंग पे ये गोली लग चुकी है। कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे एक और खतरनाक सी मस्टैंग मिल चुकी है। और ये सामने से पुलिस वाले क्यों आ रहे हैं मुझे समझ दे रहा। फटाफट इस गाड़ी को छुपाते हैं और चलते अपनी अगली गाड़ी चुराने। रुको ये पुलिस वाले मेरा पीछा कर रहे हैं, क्यों ना मैं एक पुलिस वाला बन के जाऊं। रुको ये बहुत ही तगड़ा आइडिया है, उस पुलिस वाले के पास चलते फटाफट से। तो गाइस जहां पे जितने भी पुलिस वाले उन सबको मैं यहाँ पे मारने वाला हूँ। फटाफट से इनको मारते हैं, ये लो। तो गाइस अभी सारे पुलिस वालों को मैंने मार दिया और मेरे पास एक बहुत ही तगड़ा आइडिया है। तो गाइस अभी मैं इस मस्टैंग को छुपाने वाला हूँ इधर। यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, हमारी मस्टैंग को कोई भी नहीं चढ़ेगा। इसको फटाफट से लॉक कर देते हैं और गाइस चलते हैं फटाफट से ऊपर। अभी हम पुलिस वालों की गाड़ी में बैठ के जाने वाले शोरूम में और फिर गाड़ी चुराएंगे। तो गाइस यहाँ के पुलिस वालों की ड्रेस मैंने यहाँ पे पहन ली, उनको मार के उनकी ड्रेस पहन ली। और गाइस मैंने चश्मा पहन लिया, हेड पहन लिया, ताकि वो शोरूम वाला मुझे पहचान नहीं पाए। चलो फटाफट से चलते शोरूम में और वहां से गाड़ी चुराएंगे एक पुलिस वाला बन के। उसको बिल्कुल भी शक नहीं होगी एक पुलिस वाला गाड़ी चुराना है। तो चलो फटाफट से चलते हैं। मेरा पूरा शोरूम लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे सर क्या हो गया, बोलिए। अरे क्या बताऊं पुलिस वाले सर, एक काला चोर मेरी सारी गाड़ियां चुरा रहा है, मैं परेशान हो चुका हूँ। कुछ करिए पुलिस वाले सर, उसको पकड़िए। आप टेंशन मत लो, पुलिस आ चुकी है और उस काले चोर को पकड़ के रहेगी। आप उठिए। अरे सर आपको मैंने कहीं देखा लगता है। देखा वो मैं न्यूज़पेपर में बहुत आता रहता हूँ, मैं बहुत अच्छे काम करता हूँ। रुको मुझे देखने दो, मुझे कोई सबूत मिलता है तो मैं तुमको बताता हूँ। अरे काइजर ये तो बोल रहा है मुझे देखा लगता है, अगर इसने मुझे पहचान लिया ना तो मेरी 12 बज जाएगी। और गाइस इसके पास देख सकते हो यहाँ पे एक खतरनाक सा ड्रोन भी है। सर आप जल्दी से उसको पकड़ लीजिए, मेरा बहुत ही भारी नुकसान हो चुका है। आप टेंशन मत लीजिए, हम उसको पकड़ लेंगे। मैं इसके सामने से गाड़ी चुरा नहीं सकता, वरना ये मुझे रोक लेगा। रुको ये वाली गाड़ी चुराते हैं, इसको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। मुझे लगता है यहाँ पे वो चोर आया होगा, रुको मुझे देखने दो। तो गाइस फटाफट से कांच हमने तोड़ दिया, यहाँ से निकलते हैं। और गाइस हमें एक और खतरनाक सी गाड़ी मिल चुकी है और ये कॉन्सेप्ट कार है। और ये कितनी ज्यादा फास्ट है, आप देख सकते हो कितनी ज्यादा स्पीड में चल रही है। अरे ये तो जंप भी कर रही है, कहाँ जा रही है ये गाड़ी। अरे गाइस ये गाड़ी तो मुझे पता है कहाँ लेके जा रही है, ये गाड़ी अपने आप क्यों चल रही है। अरे कौन सी गुफाओं में लेके आ गई। अब ये कौन सी जगह तो ये पता नहीं कौन सी है, पर मुझे लगता है ये सेफ जगह है, यहाँ पे मैं ये गाड़ी को छुपा सकता हूँ। एक काम करता हूँ, इस खड्डे के अंदर डाल दो ताकि गाड़ी यहाँ पे सेफ रहेगी, बाद में इस गाड़ी को यहाँ से उठा लूंगा। तो गाइस हमने एक और खतरनाक सी गाड़ी चुरा ली एक पुलिस वाला बन के। अब तो उसको पता भी चल चुका होगा पुलिस वाला नहीं मैं वही था जो काला चोर मुझे बोल रहा था। एक तो मुझे काला चोर क्यों बोल रहा है, मेरा नाम फ्रैंकलिन है, सब लोग मुझे काला बोलते हैं। गाइस आप फटाफट से कमेंट करके बताओ क्या मैं काला हूँ, मैं कहीं से भी काला दिखता हूँ, मैं इतना ज्यादा गोरा हूँ। पिछली बार तो उस काले चोर ने पुलिस वाला बन के मुझे पागल बना दिया, पर इस बार नहीं, मैंने लॉस सैंटोस की असली पुलिस बना ली है। ये सारे पुलिस वाले मेरी मदद करेंगे उस काले चोर को पकड़ने के लिए। उसने मेरा कांच भी तोड़ दिया, पर वो वहाँ से भी नहीं आ सकता क्योंकि मैंने वहाँ पर भी पुलिस खड़ी कर दी है, अब वो नहीं बचेगा। तो गाइस ये शोरूम के ओनर ने तो असली पुलिस यहाँ पर बुला दी है। मैंने सोचा मैं एक और बार पुलिस बन के यहाँ पे चोरी कर लूंगा, पर इसने तो असली पुलिस बना दी है। पर मुझे चोरी करने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि काइजर मेरे पास एक बहुत ही तगड़ा वाला आइडिया हो चुका है। इसने पीछे वाले गेट पे और आगे वाले गेट पे हर जगह पुलिस खड़ी कर दी है। और ये क्या, इसने तो ऊपर भी पुलिस खड़ी कर रखी है। अरे यार, मैंने सोचा यहाँ से घुस जाऊंगा, पर ये ऊपर पुलिस खड़ी है। अगर इस पुलिस वाले ने मुझे देख लिया तो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। कोई बात नहीं, अपन अपना काम शुरू करते हैं। तो काइजर अपना काम यहाँ पे शुरू कर दिया। मैं यहाँ पे ड्रिलिंग करके इधर एक छेद करूंगा और उसके अंदर से यहाँ पे अंदर जाने वाला हूँ। बस ये पुलिस वाले मुझे देखना नहीं। जल्दी से ड्रिलिंग करते हैं, हमें बड़ा सा खड्डा करते हैं जहाँ से हम अंदर घुस पाएंगे। तो काइजर जब तक मैं ड्रिलिंग कर रहा हूँ, आप फटाफट जाके वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आराम से इधर चोरी कर पाऊँ। चलो काइजर फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दो और ड्रिलिंग करते हैं अपन। तो काइजर यहाँ पे खड्डा करके आप देख सकते हो मैं अंदर जा चुका हूँ। बस मुझे थोड़ा सा और अंदर जाना है। और काइजर अब ये यहाँ पर अंदर आ चुके हैं। और काइजर ये देख सकते हो यहाँ पे पुलिस वाले, सामने पुलिस वाले। और काइजर मैं ये वाली गाड़ी अभी चुराने वाला हूँ, ये खतरनाक सी मर्सिडीज, जो कि बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगती है। और काइजर उस वाले कांच से नहीं, इस बार मैं एक और कांच तोड़ के जाऊंगा। ये कांच तोड़ के चलो निकलो यहाँ से। और काइजर एक और कांच तोड़ के हम ये खतरनाक सी मर्सिडीज हमने चुरा लिए। और काइजर ये गाड़ी से मैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक, क्योंकि ये एक फ्यूचरिस्टिक कार है और एक सुपर फास्ट कार भी है। इसके अंदर खतरनाक सा बूस्ट है जो कि इस गाड़ी को बहुत ही ज्यादा तेज कर देता है। अरे ये गाड़ी कहाँ जा रही है, कितनी ज्यादा तेज है ये, मैं तो इसको कंट्रोल भी नहीं कर रहा, इतनी ज्यादा फास्ट कार है। रुको, यहाँ पर हॉस्पिटल है। अगर मैं इस गाड़ी को यहाँ पे हॉस्पिटल में छुपा दूं तो यहाँ पर तो कोई भी नहीं ढूंढेगा। हॉस्पिटल में गाड़ी कौन ढूंढता है। तो काइजर इस वाली गाड़ी को मैं यहीं पर रखने वाला हूँ, इस हॉस्पिटल में। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। अगर इस हॉस्पिटल में आ ही चुके तो क्यों ना एक डॉक्टर बन के चोरी करी जाए। हाँ, ये आइडिया बहुत ही खतरनाक है। फटाफट से हॉस्पिटल के अंदर घुसते हैं और डॉक्टर के कपड़े लेके आते हैं। तो काइजर अभी आप देख सकते हो मैंने एक डॉक्टर के कपड़े पहन लिए और इस एम्बुलेंस में हम जाने वाले हैं शोरूम की तरफ। और उनको ऐसा दिखाएंगे कि हम एक खतरनाक से डॉक्टर हैं, पर हम एक खतरनाक से चोर हैं। तो काइजर आज हम क्या क्या बन चुके हैं। पहले हम फायर डिपार्टमेंट वाला बने, फिर हम एक पुलिस वाला बने, अब हम डॉक्टर बन चुके हैं। आगे और पता नहीं क्या क्या हम बनने वाले, पर अभी फटाफट से चलते हैं यहाँ पे। और काइजर मुझे एक आवाज भी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मेरी आवाज भी अब तो पहचानता है। चलो काइजर यहाँ से फटाफट से उतरते हैं। हेलो सर, मुझे पता चला है यहाँ पे एक खतरनाक सी इमरजेंसी आई है। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, मैंने कोई एम्बुलेंस को नहीं बुलाया। नहीं सर, हमें रिपोर्ट आई है एक पुलिस वाला बेहोश हुआ है। मुझे चेक करना पड़ेगा क्या आप में से कोई बेहोश हुआ है या फिर आप में से अंदर कोई पुलिस वाला है क्या, मुझे चेक करना पड़ेगा। मेरी बात सुनिए, यहाँ पर कोई बेहोश नहीं है, मेरी बात सुनिए। अरे सर, मुझे अपना काम करने दीजिए, आप चुपचाप बैठिए। मैं बोल रहा हूँ आपको, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। अरे सर, मुझे देखने तो दीजिए। अरे काइजर, ये तो मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, मुझे देखे जा रहा है, मुझे चोरी भी नहीं करने देगा। मुझे ये वाली फरारी चुरानी है, पर ये तो इधर ही देख रहा है। रुको, सामने वो टेस्ला भी तो खड़ी है। सर, जब तक मैं चेक करता हूँ आप मुझे बताइए कि ये टेस्ला कितने की है, क्योंकि मैं टेस्ला खरीदना चाहता हूँ। क्योंकि आपको तो पता ही है पेट्रोल से हमारे लॉस एंजेलिस को कितना ज्यादा एनवायरनमेंट का नुकसान होता है, इसलिए मैं एक बैटरी वाली गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। हाँ सर, आप खरीद सकते हैं ये गाड़ी को, ओनली $50 मिलियन। ये दुनिया की सबसे पहली टेस्ला है। ओनली $50 मिलियन, ये तो बहुत ही सस्ती है। इससे महंगी गाड़ी है क्या आपके पास? हाँ सर, हमारे पास इससे भी महंगी गाड़ी है, ये खतरनाक सी फरारी $80 मिलियन की। दुनिया में सिर्फ ऐसी एक ही है। तो सर, अब ये शोरूम का ओनर वहाँ पे जा चुका है। ये वहाँ पे मुझे गाड़ी दिखा रहा है, पर इसको पता नहीं है यहाँ पे इसकी टेस्ला चोरी होने वाली है। 3, 2, 1 निकलो यहाँ से, हट जाओ पुलिस वाला। और काइजर खतरनाक सी टेस्ला भी हमें मिल चुकी है। और काइजर ये तो बहुत ही सुपर फास्ट है। अभी तक मैंने जितनी गाड़ियां चुराई है सबसे ज्यादा फास्ट ये खतरनाक सी टेस्ला है। अरे कितनी ज्यादा फास्ट है, ये तो मुझसे कंट्रोल भी नहीं हो रही। और काइजर इसका इंटीरियर आप देख सको कितना ज्यादा मस्त है। सिर्फ एक व्हील है और यहाँ पे एक बड़ा सा टैबलेट है, इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, गेम भी खेल सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और काइजर इसकी स्पीड टेस्ट करते हैं, कितनी ज्यादा तेज है। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, इतनी ज्यादा फास्ट कार तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। चलो इसको असली स्पीड टेस्ट किया। 3, 2, 1। और काइजर ये तो सही में बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और ये कितनी ज्यादा यार बुलेट प्रूफ भी है, इतनी ज्यादा तेज में वहां भिड़ा, पर वहां पे मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। ये गाड़ी सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बहुत हो गया, मेरी इतनी सारी गाड़ियां चोरी हो चुकी है, मेरा इतना नुकसान हो चुका है। सिर्फ एक लड़का, एक लड़के ने मेरी इतना नुकसान कर दिया, इसलिए मैंने बुलाया खतरनाक से रोबोट, जो की मेरी मदद करने वाले उस काले चोर को पकड़ने के लिए। मुझे पता है वो चोर मेरी 150 $1 मिलियन वाली कार चुराने जरूर आएगा और मैं नहीं चाहता मेरी $150 मिलियन वाली गाड़ी को चुराए, इसलिए ये 3 खतरनाक रोबोट उस चोर को रोकेंगे। अरे काई सर, इसने तो इस बार बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्लानिंग करी है। देख सकते हो कितने सारे रोबोट है जो कि पूरी ड्यूटी पे जा चुके हैं और इस पूरे शोरूम को संभालेंगे। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, मैं इन सबको कैसे हराऊंगा, ये तो बहुत ही खतरनाक है। तो गाइस उन खतरनाक से रोबोट्स को आना है तो मुझे भी एक खतरनाक रोबोट बनना पड़ेगा, इसलिए मैं आ चुका हूँ एवेंजर्स हाउस। और एक सेकंड, यहाँ पर क्या चल रहा है? वांडा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं हाइक, मैं सिर्फ विजन बाबू से प्यार करती हूँ। वांडा, मुझसे शादी कर लो वरना मैं नस काट लूंगा। मैं सिर्फ विजन बाबू से प्यार करती हूँ और करती रहूंगी। अरे गाइजर, यहाँ पे पता नहीं क्या चल रहा है, चलो अपन फटाफट से आगे चलते। और ये क्या चल रहा है यहाँ पे? मेरी नई बाइक तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मैं इतना ज्यादा अमीर हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो गाइजर, अभी मैं यहाँ पे घुस चुका हूँ एवेंजर्स हाउस में और अभी मैं टोनी के बेस में जाने वाला हूँ, क्योंकि गाइस इसके पास आयरन मैन के बहुत सारे सूट्स है। एक तो इसने पहन रखा है, मैं दूसरा कोई सा चुरा लूंगा जिससे मैं उन खतरनाक से रोबोट्स को हरा पाऊंगा। एक स्किन। अरे अब यहाँ पे ये स्पाइडरमैन क्या कर रहा है? मैं तो सर जी के सूट को बिल्कुल चमका दूंगा, पूरा साफ कर दूंगा इसको। तो गाइस स्पाइडरमैन आयरन मैन के सूट को साफ कर रहा है और मैं उसको असली में साफ करना है। चलो गाइस फटाफट चुपचाप से पीछे चलते हैं और ये ले स्पाइडरमैन। तो गाइस अभी हमने स्पाइडरमैन को मार दिया और गाइस अभी हम ये खतरनाक सा आयरन मैन का सूट मिल चुका है। तो गाइस अभी मैंने ये सूट पहन लिया, कितना ज्यादा खतरनाक सूट है ये। चलो फटाफट यहाँ से निकलते हैं। अरे वांडा हाइक, तुम पूरा दिन शादी करते रहोगे, निकलो यहाँ से। और गाइस हमें मिल चुका है आयरन मैन का खतरनाक सा सूट और गाइस इस सूट से उन सारे रोबोट्स को मैं हराऊंगा और नई गाड़ी चुराऊंगा। तो गाइस अभी आयरन मैन का सूट लेके मैं आ चुका हूँ शोरूम पर और गाइस ये रहे वो खतरनाक से रोबोट जिनसे मुझे लड़ना है। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, मेरी बात सुनो, पहले सबके सब यहाँ से निकल लो वरना तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। ये ले, ये एक को मारा, ये दूसरा गया और ये तीसरे को भी नहीं छोड़ूंगा, ये ले। और गाइस ये आयरन मैन का सूट तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इन रोबोट की तो मैंने हालत खराब कर दी। निकल जाओ यहाँ से। ये देखो भाई, तीनों रोबोट यहाँ पर सो चुके हैं। और मैनेजर साहब क्या हाल है? अरे बेटा, मुझे छोड़ दो, ऑलरेडी तुम मेरी सारी गाड़ियां चुरा चुके हो, अब मेरी ये गाड़ियां मत चुराओ। अंकल, गाड़ियां तो मैं आपकी सारी चुराऊंगा और अब मैं चुराने वाला हूँ ये खतरनाक सी फरारी, जो कि बहुत ही ज्यादा मुझे मस्त लग रही है। इसका गेट देखो भाई कैसे ऊपर की तरफ खुलता है, अरे तो बहुत ही मस्त है। अब ये अंकल भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। ये देखो ऊपर नीचे, ये तो बहुत ही ज्यादा मस्त है। चलो गाइस फटाफट यहाँ से निकलते हैं। पर एक सेकंड, अब कांच तोड़ के क्यों जाना, अब तो अंकल के सामने चोरी कर रहे हैं, अंकल हमारा कुछ नहीं करने वाले। चलो गाइस फटाफट से यहाँ से निकलते और हमें एक खतरनाक सी फरारी मिल चुकी है। और गाइस आज मैंने जितनी भी गाड़ियां चुराई ना, वो बहुत ही ज्यादा सुपर फास्ट है, सारी की सारी गाड़ियां बहुत ज्यादा तेज स्पीड में चलती है, ये भी बहुत ही ज्यादा फुल स्पीड में चलती है। ये देखो अभी मस्त सा स्टंट करके दिखा दो। और गाइस अभी हम गाड़ी को फुल स्पीड में यहाँ से जंप कराने वाले हैं और ये गोल-गोल घूमने लग गई। ओ भाई, ये गाड़ी सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा लाइट है, बहुत ही ज्यादा फास्ट है। अब बारी आखिरी हमारी $150 मिलियन की कार चुराने की और गाइस उसकी प्राइस हर सेकंड बढ़ती रहती है, मतलब अभी तक तो वो $200 मिलियन की हो गई होगी। चलो फटाफट से उसको भी चुराते हैं। इस बार वो काला लड़का चोरी कर ही नहीं सकता। मेरे पास सिर्फ $100 मिलियन वाली कार बची है, इसलिए मैंने पुलिस वालों को, आर्मी वालों को और खतरनाक बड़े बड़े रोबोट्स, मिलिट्री, टैंक्स सभी को बुला लिया है सिक्योरिटी के लिए। इस बार चोरी हो ही नहीं सकती। अरे काइजर, इस बार तो सही में बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी आ चुकी है। आप सामने देख तो कितने सारे मिलिट्री वाले खड़े हैं, ऊपर बहुत सारे रोबोट है और यहाँ पे ये टैंक वैंक भी खड़े हैं। अगर मैं सामने गया तो सीधा मेरे ऊपर टैंक मार देंगे और सीधा ब्लास्ट कर देंगे। मुझे ब्लास्ट नहीं होना, मुझे वो खतरनाक सी $200 मिलियन वाली गाड़ी चुरानी है। कैसे चुराऊं बिल्कुल समझ नहीं आ रहा यार, ये तो बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है, कैसे चुराऊंगा यार बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। तो गाइस अभी उस शोरूम से मैं बहुत ही ज्यादा दूर खड़ा हूँ। तो गाइस अभी मैं उस शोरूम से बहुत ही ज्यादा दूर खड़ा हूँ और अभी मेरे पास एक खतरनाक सी स्नाइपर है। लगता है स्नाइपर का यूज करके इन सबको मारना पड़ेगा। पर अगर मैंने ये स्नाइपर का यूज किया और अगर वो टैंक ने मुझे देख लिया ना, तो ये टैंक मेरे ऊपर हमला कर देगा और मुझे ब्लास्ट कर देगा और मैं ब्लास्ट नहीं होना चाहता। रुको, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। तो गाइस अब मैं पूरी जगह पर ये पूरा स्मोक बॉम्ब फेंकने वाला हूँ ताकि मुझे कोई देख ना पाए और मुझे कैसे भी करके उस टैंक तक पहुंचना पड़ेगा। चलो गाइस हर जगह स्मोक बॉम्ब मैंने फेंक दिए, फटाफट से चलते हैं और बहुत सारे स्मोक बॉम्ब फेंकता रहता हूँ ताकि मुझे कोई देख ना पाए। चलो 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 फटाफट चलते हैं, बस टैंक तक कैसे भी करके पहुंच जाओ। भागो 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 भागो। और कैसे यहाँ पे टैंक में पहुंच चुका हूँ, कोई भी मुझे देखे उससे पहले फटाफट इस टैंक के अंदर घुस जाते हैं। और कैसे मैं इस टैंक के अंदर घुस गया। अब बता दो मैं कितना ज्यादा खतरनाक हूँ। इन्होंने सोचा था कि मैं वो खतरनाक सी गाड़ी नहीं चुरा पाऊंगा, पर मैं आ चुका हूँ इस टैंक और इस खतरनाक से टैंक में उस गाड़ी को चुराने वाला हूँ। चलो फटाफट शुरू कर दे, पहले टैंक को फोड़ेंगे। ये ले। अरे काइजर टैंक तो फूट नहीं रहा। अरे छोड़े, काम करते सारे पुलिस वालों मिलिट्री वालों को मारते। ये ले, निकल जाओ यहाँ से। और इन सारे रोबोट्स को भी मारेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। सारे पुलिस वाले, सारे मिलिट्री वाले, सभी के सभी मरेंगे। और ये टैंक को भी मारूंगा ताकि अंदर जो भी बैठा है वो मर जाए। अबे रोबोट तू क्यों खड़ा है, निकल जाए यहाँ से। इन रोबोटों को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो काइजर इन सारे रोबोट्स का मैंने सिस्टम हिला दिया और अरे कुछ भी काम नहीं कर रहे। और अब देखो यहाँ पे आग भी लग चुकी है, मुझे फटाफट यहाँ से निकलना पड़ेगा। और मैनेजर ये ले। हर बार मैं इसको छोड़ दे रहा था, इसको मार नहीं रहा था, पर इस बार मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इतनी सारी सिक्योरिटी इसने मेरे लिए बुलाई थी, इसलिए मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। ये ले ये ले ये ले। और का सारी गोलियां भून दूंगा इसके ऊपर। तो गाइस फटाफट से निकलते, ये लेके पहले सारा कांच तोड़ देते, हम यहाँ से निकलने वाले। और गाइस आखिरकार खतरनाक सी 200 मिलियन डॉलर की नहीं 300 मिलियन डॉलर वाली कार हमें मिल चुकी है। फटाफट इस गाड़ी को यहाँ से निकालते। और गाइस हमें मिल चुकी है हमारी खतरनाक सी 200 नहीं 300 नहीं 500 मिलियन डॉलर वाली कार। ये हर मिनट इसकी प्राइस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि गाड़ी इतनी ज्यादा खतरनाक है। ये गाड़ी उड़ती भी है और ये बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड में चलती भी है। इससे तो हम दुबई जा सकते हैं, कितनी ज्यादा फास्ट है। अब देखो लॉस एंजेलिस को हमने ऑलरेडी पीछे छोड़ दिया और हम पानी के ऊपर उड़ने लग गए। और गाइस इसका गेट देखो ना कितना ज्यादा मस्त खुलता है, ऊपर से खुलता है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो गाइस इस वाली गाड़ी में से खतरनाक खतरनाक मिसाइल्स भी निकलती है और हम यार इसमें से। तो गाइस ये गाड़ी तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब मुझे पता चला क्यों ये 500 मिलियन डॉलर्स की है, पर कितनी ज्यादा तेज चलती है और ये उड़ती भी, हर चीज करती है एक ही बारी में। तो गाइस ये गाड़ी तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और इसी के साथ उस पूरे शोरूम को हमने लूट लिया और सारी गाड़ियों को चुरा लिया। अब अपन देखते हैं अपना यार, अब अपना देखते हैं 1 बिलियन डॉलर का गाड़ियों का कलेक्शन कैसा लग रहा है। तो गाइस ये है हमारा खतरनाक सा 1 बिलियन डॉलर्स का कार कलेक्शन, क्योंकि गाइस इसमें से सारी गाड़ियां मिला के 500 मिलियन डॉलर की है, पर ये अकेली गाड़ी है 700 बिलियन। तो गाइस ये बाकी सारी गाड़ियां मिला के है 500 मिलियन डॉलर्स की और हमारी ये अकेली गाड़ी है 500 मिलियन डॉलर की और उसकी प्राइस अभी भी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले गाड़ी हमारी मस्त कॉन्सेप्ट कार जिसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज थी, ये मर्सिडीज की खतरनाक सी फ्यूचरिस्टिक कार। और इस गाड़ी का तो क्या ही कहना, ये हमारी मस्त सुपर फास्ट टेस्ला, ये हमारी लैम्बोर्गिनी और ये मस्टैंग और ये पहली फरारी दुनिया की। और कैसे मस्टैंग मुझे बहुत ही ज्यादा मस्त लगी थी क्योंकि इसके अंदर मस्त मस्त लाइटें भी है, इसका स्टीयरिंग व्हील भी बहुत ही ज्यादा मस्त दिखता है। तो कैसे आप फटाफट से कमेंट करके बताओ सबसे अच्छी गाड़ी आपको इनमें से कौन सी लगी। मुझे तो ये मस्टैंग अच्छी लगी और हमारी ये खतरनाक सी 500 मिलियन डॉलर वाली आपको कौन सी अच्छी लगी, फटाफट से कमेंट करके बता देना। तो गाइस आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको आज वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं ऐसी लगी वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइस इंस्टा पर डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वहां पे जाके जरूर फॉलो करना। और गाइस हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।